वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय हुआ और आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर। बेसिकली आज का क्लास हम लोगों का रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग इतने सारे नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बेसिकली ये क्लास सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये क्लास आपका यूजफुल रहेगा क्लास 8 से लेकर अप टू हायर क्लासेस जब तक हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान रखें, तो बेसिकली हम लोग आज इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो इसमें हम लोग को क्या क्या करना है, इसमें हम लोग देखते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, साथ ही साथ रेशनल, इरेशनल, कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो इसके पार्ट टू पार्ट एक एक कैटेगरी के बारे में हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, क्लियर है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइफ के साथ हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा। बाकी कोई भी अगर फीडबैक चाहिए, फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर ये नंबर आपके पास दिया हुआ है इस राइट कॉर्नर में, तो आप उस चीज के थ्रू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 10th में आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। इसका वेटेज अगर बात कर किया जाए तो इसका वेटेज रहता है 4 to 6 मार्क्स आपका बोर्ड में, ठीक है। मिनिमम 4 मार्क्स आएंगे, मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स आएंगे, क्लियर है। बिफोर स्टार्टिंग हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करना चाहेंगे, जो कि आप क्लास 5 से लेकर स्टार्ट करके ये सब चीज़ों को सीखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, एक्चुअली नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स आते हैं, तो देखिए नंबर सिस्टम में बेसिकली ब्रॉडली इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये तो आपका जाना सुना लग रहा है, ये आपके लिए नया लग रहा होगा। सबसे पहले बात किया जाए कि रियल नंबर होता क्या है, तो ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन, जिसको हम लोग क्या कर सके, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सके, वे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया जाए, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अब आते हैं इधर कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो देखिए नंबर लाइन के बाहर का और कोई दुनिया हो सकता है क्या, हम लोगों को पता है कि एक्चुअली नंबर कितने हो सकते हैं, तो परफेक्ट होंगे, डेसिमल में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे। हाँ, इसके अलावा भी एक दुनिया होता है एक्चुअली मैथ। कभी कभी किसी कारण से यहाँ फंस गया था, देखिए एक चीजें थी, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। अब यहां से हम चाहते हैं कि इस एक्स का वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को आरएचएस में भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस वन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं था, अब हमको निकालना है x, तो x निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो ये आपका प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस वन। यहां दिक्कत आ रहा था, क्या दिक्कत आ रहा था, कि अभी तक रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर को देखे थे, कैसे, रूट फोर, रूट 36, रूट 49, ये सारे क्या थे, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर। पहला टाइम आ गया जब रूट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव नंबर। जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा था तो नंबर सिस्टम में इसके लिए कोई जगह मिल नहीं पा रहा था, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर के लिए कोई जगह मिल नहीं पा रहा था, तो बोला गया कि ये एक इमेजिनरी नंबर टाइप का है, एक्चुअली ये प्रेजेंट नहीं होता लेकिन इसको इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे हम लोग रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया तो हम लोग इसको क्या बोले, एक नया नंबर सिस्टम बोला गया, उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। और ये आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा। बेसिकली आप लोग का सिलेबस क्या है, तो आपका क्लास 10th में सिलेबस है 9 और 10th को मिलाकर रियल नंबर सिलेबस है, 11th में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस है, क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बस इतना जानिए, जिसमें क्या हो, रूट के अंदर नेगेटिव, ऑल दोज नंबर विच कंटेन्स नेगेटिव रूट, नेगेटिव रूट, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं हम लोग, रियल नंबर का डेफिनेशन लिख चुके होंगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका भी डेफिनेशन लिख चुके होंगे,
अब देखते हैं रियल नंबर को अगर हम लोग डिराइव करना चाहें कि इसको कितने टाइप्स में हम लोग कैटेगराइज करना चाहेंगे, तो ये अगर कैटेगराइज होगा तो आपका रियल नंबर दो पार्ट में कैटेगराइज होगा। एक्चुअली आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो रियल नंबर आपका दो पार्ट में कैटेगराइज होगा, पहला आता है आपका रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। ओके, अब आता है रेशनल नंबर है क्या। तो देखो वे सारे नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अब p बाय क्यू है क्या, तो देखिए जैसे कोई भी नंबर है जिसको हम लोग क्या करें फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते, जैसे 3 बाय 2 है ये आपका फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग p मान सकते हैं, इसको हम लोग q मान सकते हैं। तो वे सारे नंबर जिसको हम लोग क्या कर सके p बाय क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। बट कंडीशन है जहां p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां मतलब p और q का वैल्यू जो लेंगे वो परफेक्ट नंबर में ही लेंगे, चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे वो पॉजिटिव रहे, लेकिन p और q का वैल्यू क्या होगा बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर में जीरो भी आता है, बोलता है सब नंबर तो लेंगे लेकिन एक्सेप्ट जीरो। तो हम लोग यहां पर p और q होगा क्या, p एंड q जो होगा वो आपका बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर बट q कांट बी इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम लोग q का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो 2/0 जैसे हो गया, तो 2/0 क्या बताएगा अनडिफाइंड नंबर जिस पे हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसको हम लोग नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो फिर वो आपका रेशनल नंबर में आएगा नहीं। क्लियर है? ओके ओके, तो रेशनल नंबर को हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या होंगे, ऑल द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड सॉरी वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। रिप्रेजेंट कर पाए जहां पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ओके, इंटीजर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, बट हमको जीरो को छोड़ देना है यहाँ पर, क्यू का वैल्यू जो भी पुट करेंगे क्या होगा कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, मतलब कुछ भी हम लोग इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर होगा क्या, तो इसका जस्ट अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो ऑल दोज नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ऑल द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, तो ये आपका बेसिकली डेफिनेशन हो गया। अब इसके भी कैटेगराइज किए होंगे, रेशनल नंबर के भी अनेक मतलब बहुत टाइप की कैटेगरी है और इरेशनल के भी मतलब बहुत टाइप की कैटेगरी है। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन को लिख लीजिए, डेफिनेशन को लिखने के बाद हम इसके टाइप्स पे जाएंगे, रेशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं इरेशनल के कितने टाइप्स होते हैं, तो इतना तक नोट डाउन कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर के कैटेगरी पर। तो देखिए रेशनल नंबर को हम लोग अगर ब्रॉडली क्लासिफाइड करना चाहे तो ये आपका तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड हो सकता है। सबसे पहला है आपका इंटीजर, सेकंड वन है आपका डेसिमल नंबर एंड थर्ड वन है आपका फ्रैक्शन नंबर। ओके, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन करो। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर कैसे होते हैं, जैसे हम लोग मेरे हाथ में कितने पेन, तो देखिए मार्कर कितने हैं मेरे हाथ में, तो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हाफ या फिर मतलब इसको तोड़ के नहीं काउंट किए हम लोग, इसमें परफेक्ट नंबर जो भी नंबर आया किसमें आया परफेक्ट नंबर। क्लियर,
तो ऑल द काउंटिंग नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर द इंटीजर्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर से पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे इंक्लूडिंग जीरो, वो आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये आपके किस में आ गए, इंटीजर्स में आ गए। तो जैसे एग्जांपल में अगर बात किया जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफिनाइट डॉट 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 माइनस टेन माइनस नाइन डॉट 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 माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू डॉट 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 अप टू इनफिनाइट, ये सारे नंबर आपके किस में आ गए, इंटीजर्स नंबर आ गए। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे आपका दिया हुआ 3/2, आप इसको परफेक्टली तो काट नहीं सकते। चलिए मान लेते कोई एग्जांपल है, जैसे आपका दिया हुआ है 6/4, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आफ्टर दैट आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड करने के लिए जब परफेक्टली पूरा खत्म करना हो तो हम लोग इसमें डेसिमल यूज करते हैं। जब डेसिमल यूज करेंगे, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.5। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग किस में रखते हैं, डेसिमल नंबर। क्लियर है। तो डेसिमल नंबर का डेफिनेशन का जरूरत है नहीं। खैर, डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाए तो उस चीज को डिवाइड करने के लिए हम लोग डेसिमल का हेल्प लेते हैं। अब ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। एग्जांपल में लिख दिया जाए कि 1.5 3.25 1.21 बार, अब बार पे भी हम लोग आगे आएंगे। क्लियर। ओके, अब आते हैं फ्रैक्शन नंबर जिसको हम लोग p/q के टर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे 3/2 हो गया आपका, 7/5 हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन नंबर। क्लियर। तो अगर बेसिकली डिवाइड किया देखा जाए तो रैशनल नंबर हम लोग तीन पार्ट्स में कैटेगरी किए हैं। सबसे पहला है इंटीजर। तो इंटीजर होता क्या है, तो ऑल दोज नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब आते हैं डेसिमल नंबर। तो क्या होता है, जब कभी भी किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है वो परफेक्टली कट जाए या फिर वो परफेक्टली ना कटे। इन द केस जिस टाइम इस परफेक्टली ना कटे तो हम लोग डेसिमल का हेल्प लेकर उस चीज को पूरा का पूरा एलिमिनेट करते खत्म करते हैं। तो इन दैट केस वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, डेसिमल नंबर। अब जब फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए p/q के टर्म में, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। ओके, अब हमको क्या करना है, रेशनल नंबर के डेसिमल को कितने पार्ट्स में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर का जो डेसिमल पार्ट है उसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब लाइक ऐसा डेसिमल जो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो, खत्म हो जाए। जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट या इसके बाद क्या हो, खत्म हो जाए, तो वैसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल में लिया जाए जैसे 3/2, तो आपका क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो देखिए परफेक्टली खत्म हो जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 10/3 है, ठीक है, अब इस चीज को डिवाइड कीजिएगा तो 3.33333 ये आपका अप टू इनफिनिट टाइम्स तक आते रहे, 3333 ये आपके आते रहे, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.3 पर बार, क्योंकि डेसिमल के पास जो नंबर रिपीट कर रहा हो वो अगर बार बार एक नंबर करे या फिर दो नंबर रिपीट करे, जैसे आपके एक और एग्जांपल ले लिया जाए कि 10.53 पर बार, तो 53 पर बार मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये आपका 5353 ये आपका आते रहेगा, 10.53 53 53, और ये कंटिन्यूसली आपका आते रहेगा। तो ये थे आपके रेशनल नंबर के डेसिमल के दो पार्ट। पहला पार्ट है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, वैसे डेसिमल जो आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम डिजिट वो चीज क्या हो, पूरा पूरी खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, वैसे डिजिट जो आफ्टर डेसिमल वो कभी खत्म ना हो। अब कभी खत्म ना होने वाले में आपका कौन सा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला आ गया। आपके डेसिमल के दोनों टाइप्स होते हैं, डेसिमल में रेशनल भी आएगा, डेसिमल में इरेशनल भी आएगा। तो डेसिमल के रेशनल में दो टाइप्स है आपके, पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, वैसा डेसिमल जो आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम डिजिट डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, डेसिमल्स के बाद वो डिजिट खत्म ना हो, वो चलते कंटिन्यूअसली चलते रहे, अगर कंटिन्यूअसली चले अगर रिपीटेड होकर चले तो वो आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। क्लियर है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में आपके दो टाइप्स को दिखाया गया, सबसे पहला आता है
रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, तो जितने भी रूट लगाते हैं प्राइम नंबर के अंदर, देख लिया जाए तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ ओनली। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात किया जाए 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे आपके क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारे से जब हम लोग रूट चढ़ा देंगे तो √2, √3, √5, √7 ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के दो टाइप्स है, सबसे पहले आपके आते हैं रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, दूसरा आपका आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में आपका 2.213251719 इस तरह से आपका आते रहे, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए आपका डॉट 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 रिवर्जन क्या कर रहा है कि आपका खत्म नहीं हो रहा है, साथ साथ ये आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक आपका था बेसिक नॉलेज। अब फिर दोबारा से अगर देखा जाए तो डेसिमल में आपके बेसिक अगर देखा जाए तो डेसिमल के तीन टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटेशन हो तो आपका रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटेशन हो तो इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटेशन रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटेशन इरेशनल, क्लियर है। ओके ये थे आपके नंबर सिस्टम्स के बेसिक पार्ट। ओके तो अगर इंटीजर को कैटेगराइज करना चाहे तो इंटीजर को हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं नेगेटिव नंबर पर और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान दीजिएगा जैसे माइनस इनफिनाइट है डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इनफिनाइट। तो काउंटिंग नंबर के इधर से इधर वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को बेसिकली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और यहां से यहां तक आपके जितने भी होंगे उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। और जीरो आपका ना पॉजिटिव में आता है ना ही आपका नेगेटिव में आता है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि पॉजिटिव इंटीजर को अगर डिवाइड करना चाहेंगे हम लोग तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग पॉजिटिव नंबर, तो काउंटिंग पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इनफिनाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्लियर है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग होल नंबर, तो काउंटिंग नंबर में हम लोग कहीं जीरो का जरूरत पड़ गया था, जब हम लोग जीरो का जरूरत पड़ गया था जब जीरो को इंक्लूड कर दिया गया काउंटिंग नंबर में तो आपका क्या कहला गया होल नंबर। तो देखिए काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो वो आपका क्या कहलाया होल नंबर। ओके अब होल नंबर पे हम लोग अगर बात किया जाए तो कैसे होगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इनफिनाइट, ये आपका क्या कहलाया गया होल नंबर। ओके अब नेचुरल नंबर को हम लोग अगर इसको डिराइव करना चाहते हैं तो चार कैटेगरी में बेसिकली इसको हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है पांच कैटेगरी, सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है जो दो के मल्टीपल में हो, मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू। ऑड नंबर क्या होता है नॉट मल्टीपल ऑफ टू, ओके। अब आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है तो वो सारे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन एंड इट्स है, ऑल द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इट्स है, वन एंड इट्स है, इसको हम लोग किस पर रखते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 ये सारे आपके क्या है प्राइम नंबर आते हैं। को प्राइम नंबर क्या हो तो देखिए को प्राइम नंबर मतलब जोड़ा में आता है, तो दो दो नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही हो, दो नंबर का कॉमन फैक्टर अगर एक ही हो, जैसे मान लिया जाए टू नंबर विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम
नंबर। एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 और 7 ले लिए, 7 और 13 ले लिए, ठीक है। तो किसी भी दो हम लोग क्या करें, 2 प्राइम नंबर का अगर हम लोग उठा ले तो 2 प्राइम नंबर आपका क्या कहलाएगा, 4 प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 11 और 13 का, इसको हम लोग उठा कर रखते हैं हम लोग कहीं पर, तो 11 का भी कोफैक्टर कितना है 1, और 11 13 का भी कोफैक्टर कितना है 1, और 13 दोनों में कॉमन क्या है 1, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर, तो ऑल द नंबर विच आर नॉट प्राइम नॉन एज कंपोजिट, ऑल द नॉन प्राइम नंबर, जितने भी नॉन प्राइम नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ओके, दोबारा से एक बार रिकॉल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स को हम लोग देखें कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटीजर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटा गया, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को 2 पार्ट में बांटा गया, सबसे पहला आपका नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जब जिसमें आपका गया 1, 2, 3, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किए। फिर आया हम लोग का वर्ड होल नंबर, होल नंबर क्यों आया, तो जब हम लोग नेचुरल नंबर में हम लोग काउंटिंग नंबर में जीरो का जरूरत पड़ गया, तो हम लोग क्या लाए, नया एक टर्म आया होल नंबर, वो आपका क्या कहलाता है, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अब आता है कि नेचुरल नंबर को अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहें, तो इसको हम लोग बेसिकली 5 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इवन नंबर, जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, ऑड नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हो, प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, सॉरी विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 और 8, जिसका दो ही आपका फैक्टर हो 1 और 8। फिर आता है को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर्स को प्राइम नंबर बोलेंगे जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, क्लियर। फिर आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ऑल द नॉन प्राइम नंबर्स, जो जितने भी नॉन प्राइम नंबर है वो आपका क्या कहलाएंगे, कंपोजिट